आपको तो शोकर की डिसीजन में आपने हिस्सा नहीं लिया है। नहीं नहीं उसमें सर ये बता दीजिए कि जो फॉरन फंडिंग का फैसला था अगस्त उसके बाद 5 अगस्त को शोकर दिया, उसके बाद PTI ने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, वो लार्जर बेंच पर 2 फरवरी 2023 में डिसमिस हो गया एंड दैट इज वेयर इट स्टैंड्स। वो ये कह रहे हैं जी कि शो कॉज के बाद दे चैलेंज्ड इट बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसमें एक लार्जर बेंच बना बट वो भी उनकी दरख्वास्त डिसमिस हुई वहां पर। तो अब इनके इल्म के मुताबिक कोई अमर माने नहीं है बट आई हम्बली सबमिट। शुरू कब हुई ये कंप्लेंट आपकी? नवंबर 2014 फर्स्ट हियरिंग आई बिलीव टुक प्लेस इन जनवरी, इट वॉज फाइल्ड इन नवंबर, द फर्स्ट हियरिंग टुक प्लेस इन जनवरी 2015 एंड देन सक्सेसिवली चलती रही एंड देन द राउंड ऑफ लिटिगेशन बिगैन लेटर इन दैट ईयर एंड इट हैज बीन गोइंग ऑन एंड ऑन सर सिंस देन। जी सर ये पहला पॉइंट है ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। और कोई बात? जी जी सर ग्राउंड्स बताए गए कि अभी कहा कि जी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जवाब दे दिया है कि क्यों अकबर बाबर को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, मेंबरशिप के कोई फॉर्म्स या इन्होंने कुछ चीजें उधर शो की थी, सो इफ माय लॉर्ड विल आस्क देम दे विल बी एबल टू शो देम शो द कोर्ट के क्या एविडेंस थी ऑफ देयर मेंबरशिप। अच्छा और कोई बात? जी पेज 231 पर जो मेरी कंप्लेंट है इलेक्शन कमीशन को उसमें वाजे तौर पर लिखा हुआ है कि दिसंबर 1 को 4:45 पर मैं गया, this is well within the time of the nomination papers, so I do not know where they reach page 231 paragraph 3 on December 1, 2023 around 4:45 p.m. in the afternoon I along with a delegation of PTI members visited PTI central secretariat located in G8 sector of Islamabad. Now इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड तलब किया है जनाब ने, उसमें वीडियो एविडेंस है, उसमें वाजे है कि वो विद इन टाइम देयर वाज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल देयर। वो तो शायद खुद कह रहे हैं मान भी रहे हैं कि आप गए थे बट अभी आए, मे बी आई मिस हर्ड कि उन्होंने कहा कि जी वक्त के बाद आए हैं, मुझे तो वक्त के अंदर आए हैं यहाँ लिखा हुआ है, इसको चैलेंज पहले नहीं किया आज बिलेटेड चैलेंज है, वो इतनी बारीक चीजों में हम नहीं जाएंगे। जी बेहतर अगली गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ सर कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो आगे करा। तो ये कह रहे हैं कि चले भाई वो इलेक्शन गलत हो गया मगर मुझसे सिंबल तो ना लें, मैं उस पे क्या आप कहते हैं? जी 215 को अगर इजाजत दें तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसकी करेक्ट रीडिंग प्रेजेंट नहीं की गई, करेक्ट रीडिंग कुछ यूं बनती है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ ए पोलिटिकल पार्टी एंड लिस्टेड अंडर द एक्ट शैल बी इलिजिबल टू ऑब्टेन एन इलेक्शन सिंबल। इलिजिबिलिटी सर मैं रुकता हूं यहां पर, इलिजिबिलिटी मेजर है यहां पे, ऑटोमेटिक ग्रांट ऑफ सिंबल नहीं है। जी कौन से पेज में सर? मैं सेक्शन 215 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट पढ़ रहा हूं। 215 अच्छा, जो ये कह रहा है कि आपकी इलिजिबिलिटी टू ऑब्टेन अ सिंबल का स्टैंडर्ड है, आर्ग्यू ये किया जा रहा है कि ग्रांट हो गया। आपका पॉइंट क्या है कि अगर ये दस्तावेजात जो कि कानून कहता है कि आपने सर्टिफिकेट्स देने हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे टू ऑब्टेन ए सिंबल बट यू डू नॉट ऑटोमेटिकली गेट अ सिंबल ग्रांटेड टू यू। और यहां पर जो पॉइंट मैं गुजारिश कर रहा हूं कि व्हेन द मेजर ऑफ एलिजिबिलिटी इज ब्रॉट इनटू ए क्राइटेरिया देन समवन हैज टू डिटरमिन whether or not you are eligible. If I am 5 years old and wants to run a 100 meter Olympics race, somebody will determine whether I am eligible to do that. सर एक और गुजारिश है कि रूल 15 का हवाला दिया गया जो इलेक्शन रूल्स के इन्होंने अपना PTI के अपने इलेक्शन रूल्स हैं उसमें भी वो छोड़ें दूसरा पॉइंट बताएं उसमें बड़ा लिखा आफ्टर का लफ्ज है उसमें वो जनाब नोट कर लें आफ्टर ही अनाउंसेस ये एक्चुअली क्योंकि इस पे बहुत इन्होंने लेबर किया पॉइंट आई विल नॉट टेक मोर देन 30 सेकंड्स। द फेडरल इलेक्शन कमीशन शैल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ कंसर्न्ड पैनल और चेयरमैन एज द केस मे बी एट द नोटिफाइड पोलिंग डे एट द पोलिंग वेन्यू आफ्टर taking objections, they have not showed what objections if any, they even asked anybody ki aapko objection to nahi hai election mein or from the members or votes present at the venue.
ये किधर से आप पढ़ रहे हैं? ये मैं पेज 100 ऑफ द पीटीआई रूल्स. Where will we find them on our books? जी पेज 100 ऑफ द पिटीशन, पेज 100. जी जी ये शुरू होते हैं पेज 98 पे टाइटल. अब 100 क्या है? एंड 100 15 रूल 15 जो जनाब के सामने पढ़ा गया. द फेडरल इलेक्शन कमीशन शैल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ कंसर्न पैनल. और क्या पढ़ रहे हैं? 15 एज द केस मे बी एट द नोटिफाइड पोलिंग डे एट द पोलिंग वेन्यू आफ्टर टेकिंग ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द मेंबर और वोटर्स प्रेजेंट एट द वेन्यू. सो दे हैव नॉट डिस्चार्ज द बर्डन ऑफ आफ्टर. नहीं, ये तो फिर उनका जवाब बनता है. वो हमने जब उनसे पूछा कि जब अगर सारे अनपोज आ गए तो फिर आप जाके मीटिंग क्यों की वहां चमकनी में, तो वो तो इस पर रिलाय कर रहे हैं क्योंकि हो सकता कोई ऑब्जेक्ट करता. मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिलाई जरूर कर रहे हैं लेकिन ये उनके हक में बात नहीं कर रहा. ये अभिषेक, ये बेसिकली अनपोज्ड का जो फॉर्मूला या मॉडल या मेथोडोलॉजी यहाँ प्रेजेंट की गई है ये इन रूल्स की भी मंशा मुझे तो नजर नहीं आती, बट दैट इज फॉर माय लॉर्ड्स टू कंसिडर के क्या है. अगला जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सर, इट्स अ हाउस कीपिंग एस्पेक्ट. आइन की, पीटीआई के आइन की एक शिक है जो कि पेज 171 पे जनाब के सामने आएगी. ये बारीकियों में आपको भी आप ले जा रहे हैं, हमें अवॉइड कर रहे हैं चीजें. जी 171 पे क्या है? ये मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब ने सवाल पूछे कि पेशावर में पिटीशन क्यों हुई, किसने की, लाहौर में क्यों हुई, किसने की, उसका आप क्या जवाब देते हैं? मैं देता हूँ. मैं पहले कहना है कि मैं जा सकता हूँ कहीं भी. I will defer and support the argument presented by Makhdoom साहब कि जब उन्होंने एक एल फोरम इलेक्ट कर लिया था लाहौर का तो वहीं पर रहना चाहिए था. ये फोरम शॉपिंग ही है मेरी नाकिस राय में और दिस प्रैक्टिस शुड नॉट बी कंडोन्ड. ये जो पिटिशन इन्हें फाइल की पेशावर में, इन्हें डिस्क्लोज किया कि एक लाहौर में भी पेंडिंग है? नहीं सर, मुझे नहीं नजर आया, बट मैं डबल चेक कर लेता हूँ. बट मैं उससे भी एक प्रायर फंडामेंटल पॉइंट, हाउस कीपिंग अगर इसको लाइटली लेना चाहते हैं और मोर सीरियस अगर इसको अथॉरिटी की बेस देखना चाहते हैं, वो ये है कि वन, ये कौन है आपके साथ जो खड़े? माई कॉलीग बदर, ही हैज बीन वेरी काइंड एंड हेल्पफुल एंड ऑल्सो बी काइंड, नॉट नाइदर काइंड नॉर हेल्पफुल बिकॉज ही वुड बी चेकिंग व्हेन वी आस्क्ड अ क्वेश्चन के इन्होंने इलेक्शन पिटीशन जो पेशावर हाई कोर्ट में फाइल की उसमें ये उन्होंने डिस्क्लोज किया कि लाहौर में भी मैंने पिटीशन फाइल की. वो एक्चुअली ही टेल्स मी, वो फिर उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको दे दें, चेक तो कर लें. जी बदर जस्ट मेंशनड कि मैंने चेक किया, सर्टिफिकेट में उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, उनका फर्स्ट पिटीशन है. बट नहीं, वो पिटीशन पेशावर में फर्स्ट है. उन्होंने जिक्र किया कि भाई लाहौर में भी एक पिटीशन है, बेशक उसकी वजह बता दें कि जी दूसरा मसला है, इधर दूसरा मसला है. नहीं जी, ऐसा नहीं. जो मैं लाइटर नोट था, आई होप